हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं जुनेद और आप देख रहे हो टेक्निकल जुनेद। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में आप अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, जिसका नाम है फैबी FABBY। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने किसका वीडियो प्ले कर दिया, और ज़्यादातर लोग इनको पहचान गए होंगे। सेंस ये है जुन्नू की टेक, ये वीडियो इनका फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो है, अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये लड़का जिनका वीडियो आपने देखा है 1 मिलियन सब्सक्राइबर कल के दिन पूरा कर लिया है। फ्रेंड्स अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, आप भी 1 मिलियन तक पहुंच सकते हो। फ्रेंड्स स्टार्टिंग में जुन्नू की टेक ने जो वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो उसका मिलता जुलता जो कॉन्टेंट था, उसका मिलता जुलता डायलॉग था, सेम था टेक्निकल दोस्त जैसा। उन्हीं के तरफ फनी वे में वो वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे। फ्रेंड्स जब 2 साल ये कंटिन्यू काम कर चुके थे यूट्यूब पे, उसके बाद काफ़ी एक्सपीरियंस आ जाता है अगर आप भी ऐसा करते हैं, 2 साल कंटिन्यू काम करते हैं। हालांकि ये कंटिन्यू नहीं रहे थे, कुछ दिन गैप करके वीडियो डालते थे, इसलिए इतना लंबा टाइम लग गया 3 या 4 साल का। अगर स्टार्टिंग से कंटिन्यू रहते तो और जल्दी 1 मिलियन कंप्लीट कर लिए होते। तो अगर आप स्टार्टिंग से काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ नहीं पता होता, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आपको अपने आप सीखने को मिलता है यूट्यूब पे। आप जैसे वीडियोज बनाएंगे कंटिन्यू रहेंगे तो उसके बाद खुद आपको सीखने को मिलता है कि किस तरह से हमको वीडियोज बनाना है, किस तरह से अपलोड करना है, क्या ऑडियंस को चाहिए। ये सब जानकारी जो है आपके अंदर अपने आप आने लगती है। उसके बाद ही आप अपने ऑडियंस को एक अच्छा सा वीडियो दे पाएंगे, एक अच्छा सा कॉन्टेंट दे पाएंगे। और जब से ये चीज़ करना स्टार्ट कर देंगे उसके बाद फ्रेंड्स आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे, आपके व्यूज इंक्रीज होंगे। फ्रेंड्स अगर आप अच्छा वीडियो बनाते हैं तो ये मत सोचिए कि व्यूज नहीं आ रहे हैं। जब भी तक जो आप दिन में 75 बार YTS स्टूडियो खोलते होंगे, ऐसा करना बंद कर दीजिए। क्योंकि बार बार आप जाते हैं YTS स्टूडियो, देखते व्यूज नहीं आ रहे हैं, डिमोटिवेट होते हैं। देख सकते हैं इनके फर्स्ट वीडियो और अभी के वीडियो में कितना डिफरेंस है। और अगर आपका ऑडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जैसा मेरा ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल क्लियर आ रहा है, तो YouTube मेरी वीडियोज में अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और आपका वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं हुआ, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब के 5 कमाल के न्यू अपडेट्स के बारे में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है उसी से वीडियोज बनाना स्टार्ट कीजिए। मैं तो अभी तक जो है अपने एक स्मार्टफोन से वीडियो बना रहा हूँ, और आप बहुत काफ़ी है, एक स्मार्टफोन काफ़ी है, उससे आप एडिट भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, वीडियो शूट भी कर सकते हैं। और आपको एक माइक लेनी है जिससे आपका वॉइस क्वालिटी अच्छा हो, बस इतना ही। अगर आपके पास लाइटिंग का व्यवस्था नहीं है तो डे में शूट कीजिए, सनलाइट में शूट कीजिए, सबसे बेटर रोशनी, उससे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है, कोई भी लाइट में नहीं। फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं कि जुन्नू की टेक की जो अभी अर्निंग है एस्टिमेटेड 1.5 से 2 लाख तक पर मंथ के बीच है, स्पॉन्सरशिप वगैरह लगा के। ये अमाउंट कभी कभी ज़्यादा भी चला जाता है, और मैं ये अपने हिसाब से नहीं कर रहा हूँ। जुन्नू की टेक एक इंटरव्यू में बोला था कि उसकी मंथली अर्निंग कितनी हो जाती है, उसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कि जो लड़का जिसको बोलना नहीं आता था, इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं, वो आज 2 लाख पर महीने कमा रहा है। तो इतना ही सोचिए, अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको एक ही चीज़ करनी है कि क्विट नहीं करना है, जो भी प्रॉब्लम आए उसे सामने रह के फेस करना है, ना कि उससे दूर भागना है, या तो उसको रीजन दे के वीडियोज बनानी बंद करनी है। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है। अगर मान लीजिए आपको वीडियो बनाने का सेटअप नहीं है, जगह नहीं है, तो आप बाहर जाके शूट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसको आप प्रॉब्लम के वे में लेते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब इस तरह से तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। मेरे साथ तो इतना प्रॉब्लम होता है, वीडियो शूट कर लेते हैं, कभी कभी पता चलता है उस पर वॉइस ही नहीं है, पूरा मूड ऑफ हो जाता है, फिर से दोबारा शूट करते हैं। ये नहीं कि आज छोड़ दो आप कल शूट करेंगे। फ्रेंड्स जुन्नू की टेक भी तो स्टार्टिंग में स्मार्टफोन से स्टार्ट किया था, ना ही उसके पास माइक था, ना ही सेटअप था। आप देखे हैं उसके वीडियो में फर्स्ट वीडियो किस तरह का है, ना ही बोलने का क्वालिटी है, बट अभी आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। आप ये मत सोचिए कि हम यूट्यूब पर वीडियोज डाल रहे हैं, आप ये सोचिए कि हम अपने ऊपर अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। जब ये सोचने लगेंगे तो आपका चैनल चलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हमको एक वीडियोज डालनी है, तो फ्रेंड्स ये गलत है, इससे आपका चैनल नहीं जाएगा आगे, और आप यही सब चक्कर में रह जाएंगे, व्यूज नहीं आ रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, इंप्रेशन नहीं जा रहा है। तो आपको अपने ऊपर काम करना होता है यूट्यूब पे सक्सेस करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम लाते रहते हैं इसी तरह से यूट्यूब से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ, नई नई वीडियोज। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।